हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विशाल दई क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आज हम आपके 3 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और अब हमारे पास आएंगे क्वेश्चन 10 से लेकर 17 तक। साथ ही साथ आप यहां पर मेरा SST का कोर्स भी चेक कीजिए, जिसकी वीडियो डेली पब्लिश की जाती है रात के 8 बजे, और साइंस की डेली वीडियो पब्लिश की जाती है शाम के 7 बजे। आप इन टाइमिंग के साथ अपने पैटर्न को, या फिर मैं ये कहूं स्टडी टाइम को शेड्यूल कर लीजिए, ताकि आपका बेनिफिट बना रहे और आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकें। बाकी सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जो भी चैप्टर्स आप लोगों ने मिस किए हैं, क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों के सामने चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराता हूं। अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह भी है कि अब आप इन सभी चीजों को PDF फॉर्म में इन सब क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम के टाइम पर रिवाइज कर सकें। किस तरीके से डाउनलोड करेंगे उसका डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आंसर्स। तब तक आप क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते अपने आंसर्स को भी सोचिए कि आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म स्पेशिएशन, लिस्ट 4 फैक्टर्स व्हिच वुड लेड टू द स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या चीज है और ऐसे 4 फैक्टर बताइए जिससे स्पेशिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय BB इज क्रॉस्ड ब्रीड विद दैट ऑफ व्हाइट कलर फ्लावर। अब आपके पास एक ब्लू कलर का फ्लावर है जिसे डिनोट किया गया है BB से, और उसे क्रॉस कराया गया है व्हाइट कलर के फ्लावर से जिसे डिनोट किया गया है स्मॉल बी। आपसे पूछा क्या गया है, स्टेट द कलर ऑफ द फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन द F1 जनरेशन। कौन से कलर का फ्लावर आप एक्सपेक्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन में। वहीं व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन, क्या परसेंटेज होगी व्हाइट फ्लावर प्लांट की F2 जनरेशन में। इफ फ्लावर ऑफ F1 आर सेल्फ पॉलिनेटेड, अगर हम जो हमारे पास F1 जनरेशन में फ्लावर्स आए हैं या फिर प्लांट्स आए हैं उन्हें हम सेल्फ पॉलिनेट करें तब क्या प्रोसेस होगी। स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप्स BB एंड B इन द F2 प्रोजेनी। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन, इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ बैट। किस तरीके से आप होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन को डिफाइन करेंगे, एक चिड़िया के पंखों के और एक चमगादड़ के पंखों को आप किस तरीके से अरेंज करेंगे। जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल रीजंस। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द टर्म इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोसेस, इवोल्यूशन की टर्म क्या है उसे एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ वी क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट विद प्योर ब्रीड डाफ पी प्लांट वी विल गेट पी प्लांट ऑफ F1 जनरेशन। अब आपके पास प्योर टॉल है और प्योर डाफ है, लेकिन टॉल यहां पर डोमिनेटेड है, मटर का पेड़ है आपके पास F1 जनरेशन में, आपके पास ये सब चीजें हुए। इफ वी नाउ सेल्फ क्रॉस द पी प्लांट ऑफ F2 जनरेशन, अब आपको सेल्फ क्रॉस करना है F2 जनरेशन के लिए, देन वी ऑब्टेन द पी प्लांट ऑफ F2 जनरेशन। तो व्हाट डज द प्लांट ऑफ F2 जनरेशन लुक लाइक, किस तरीके के होंगे F2 जनरेशन में प्लांट। स्टेट द रेशियो ऑफ द टॉल प्लांट टू द डाफ प्लांट इन F2 जनरेशन, टॉल फॉर डाफ की रेशियो बताइए। स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F2 जनरेशन बट अपियर्ड इन F2 जनरेशन, यहां पर उन प्लांट्स के बारे में बताइए जो प्लांट F1, यहां पर ये F2 नहीं है, ये F1 होगा आप लोगों के लिए, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। F1 जनरेशन में हमारे पास नहीं मिले, लेकिन F2 जनरेशन में हमारे पास अवेलेबल हुए। मेंशन द रीजन फॉर द सेम, और रीजन भी देना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ आर फॉसिल फॉर्म्स, फॉसिल किस तरीके से बनते हैं, डिस्क्राइब इन ब्रीफ 2 मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल, और किस तरीके से आप एक फॉसिल की एज को पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेट द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंट ट्रेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड, इनहेरिटेड ट्रेड क्या होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेड क्या होते हैं उनका मतलब बताइए। विच ऑफ द टू इज नॉट पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, और इनमें से कौन सा ऐसा ट्रेड है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास नहीं होता, और एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 17, एन इंडिविजुअल कैन नॉट पास ऑन टू इट्स प्रोजेनी द experiences of its lifetime. Justify the statement with the help of an example and also give reason for the same. एक individual कैसे अपने progeny में, यानी कि अपने babies में, अपने experience जो भी उसने lifetime में gain किया है वो कैसे pass नहीं कर पाता, इस चीज को explain कीजिए। अब बात करते हैं इन 7-17 questions के बाद हम आपके answers की। आप लोगों ने बहुत सारे answers अपने बनाए होंगे दिमाग में कि किस तरीके से हमें answer writing करनी है। अब answer writing की मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों के लिए separate video बनाया है जिसमें मैंने सिर्फ answers ही discuss किए हैं इन सभी videos के। वो मिलेंगे आपको मेरे Unacademy platform प्रोफाइल पर, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और Unacademy ही से ही आप यहां पर PDF फॉर्म में सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं A to Z, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप मेरी वीडियोस का वहां से डाटा डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, लिंक आपको प्रोवाइडेड होगा, उस लिंक को ओपन कीजिए और वहां से वीडियो के पहले एक्सप्लेनेशन समझिए और उसके बाद पीडीएफ फॉर्म में अपने पास नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। मेरा नाम है विशाल त्यागी और आप अपने आप को यहां पर एनरोल जरूर रखिएगा ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर वीडियो नहीं मिलता तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर की। धीरे धीरे करके हमारा ये पूरा पोर्शन आपके बोर्ड एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा और जब आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला होगा यानी कि बोर्ड वीक चलेगा तो उसमें मैं आपके सामने लास्ट मिनट रिवीजन क्वेश्चंस आंसर्स फिर से प्रोवाइड कराऊंगा जो बहुत ज्यादा हॉट क्वेश्चंस होंगे। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिएगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम और अपने सजेशंस को और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।